हेलो फोर्थ सेमेस्टर हाउ आर यू ऑल आई होप यू आर डूइंग गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम्स आल्सो जैसा कि आपको पता है कि फोर्थ सेमेस्टर भी हमें करना है तो थोड़ा थोड़ा हम स्टार्ट करेंगे आज हम बात करेंगे लिस्टिंग विद कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको अप्रोचेस पढ़ा दी थी स्ट्रक्चरल अप्रोच और कम्युनिकेटिव अप्रोच मैंने आपको कराई थी लास्ट क्लास में सो इन दिस क्लास आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट क्योंकि ये थोड़ा सा वाइड है तो लैंग्वेज स्किल्स में इनके अंतर्गत आपका आता है लिसनिंग एंड लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन तो लास्ट में आपको न्यूज़ वगैरह के थ्रू भी मैं पढ़ना सिखाऊंगी कि कैसे आपको नॉलेज गेन करनी है सो लेट्स स्टार्ट कोई भी भाषा हो उसके कौशल होते हैं कोई भी लैंग्वेज अब भाषा को इंग्लिश में बोले तो लैंग्वेज एंड स्किल्स भाषा और कौशल तो लैंग्वेज के जो स्किल्स हैं वो चार मेन हैं वो कोई भी लैंग्वेज हो आप फ्रेंच हिंदी कन्नड़ इटालियन पर्शियन कुछ भी है तो ये चार मेन में पहला आ जाता है सबसे पहले आप ये देखिए लिसनिंग है फिर आता है स्पीकिंग राइटिंग और रीडिंग लिसनिंग स्किल आज हम आप बात करते हैं तो लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अब आप ये समझेंगे कि लिसनिंग में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है तो लिसनिंग में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं इंटरवीन करते हैं और इसी वजह से स्पीकर एज वेल एज़ अदर लिसनर्स एंड एज वेल एज दैट पर्सन इज़ ऑल्सो अफेक्टेड तो वो हम डिस्कस करेंगे तो पहला ये देखिए वायल्ड रिसीविंग हमें कैसे रहना चाहिए आप ये ये वाला देखिए बना हुआ है फिगर इसमें क्या है इसने आईज और माउथ कुछ नहीं पे ध्यान दे रहा है इट इज़ ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन द लिसनिंग देन इट कम्स द रीडिंग पार्ट रीडिंग में ओनली आइज आर कंसंट्रेटिंग ऑन द बुक या टेक्स्ट देन वेन यू आर सेंडिंग समथिंग आप दो तरीके से पार्ट करते हो लैंग्वेज में पहला तो रिसीवर एज ऑ रिसीवर और फिर या फिर सेंडर तो स्पीकिंग में केवल मुंह जो है बोल रहा है ऐसा नहीं है कि हमारी आइज़ कहीं और है हम बोल सामने रहे हैं इन सिमिलरली इन द रटिंग फेज यू आर राइटिंग डाउन फोकस इज ऑन राइटिंग आप पूरी तरीके से राइटिंग पर ही फोकस कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज क्या है एक अफेक्टिव लिसनिंग के लिए पहले तो हम लिसनिंग के लिए लिसन हम सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिसमें हम फोकस करते हैं स्पीकर पे और मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं जैसे कि आप टेबल के नीचे कोई मोबाइल ऑपरेट करना है मैसेजेस जो आ रहे हैं उसको रिप्लाई भी करना है और सुन भी रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप लेक्चर पर कॉन्सन्ट्रेट करें लिसन केयरफुली विद ईयर्स आइज एंड हार्ट इट डजेंट मैटर कि आपका जो दिल और दिमाग है वो कहीं और लगा हुआ है कि लास्ट मूवी हमने जो देखी थी तो वो अच्छी नहीं थी अब आ, फ्राइडे कल है तो मैं कल कौन सी प्लान करते हैं ये सब कुछ नहीं होना चाहिए यू शुड लिसन विद हार्ट गेट कीपर रोल इज़ नॉट एन डिफिकल्ट टास्क दैट यू आर नॉट लेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ द रूम आप एम्पथाइसाइज एम्पथसाइज हैं दैट मीन्स आपको एम्पैथी है पूरी क्लास से और स्पीकर से कि वो कुछ प्रिपेयर करके आए हैं ऐसा नहीं है कि वो केवल आए हैं और आपको बोलना चालू कर दिया तो इसलिए ऐसा कुछ होता नहीं है आप भी टीचर्स बनेंगे आफ्टर देर रिस्पॉन्ड जेंटली लिसन टू योर ओन सेल्फ एंड आस्क राइट क्वेश्चन इसी में क्रम में मैं आपको आइंस्टीन अल, की एक कहावत दिखाऊंगी जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुझे एक घंटा मिले जिसमें कि मैं अपनी पूरी लाइफ के जो है क्वेश्चन uh, uh, सवाल पुटअप करने के लिए तो मैं पचपन मिनट तो उन सवालों को सोच के तैयार करने में लगाऊंगा तो यानी कि आप जब कोई क्वेश्चन स्पीकर से कर रहे हैं uh, उसको पहले प्रिपेयर करिए तैयार करिए इट शुड बी लॉजिकल यानी कि आपने स्मार्ट बनने के लिए कुछ भी पूछना क्लास में शुरू कर दिया दैट शोज दैट यू आर नॉट स्टडिंग केयरफुली चूज़ टू लिसन आप इफ़ेक्टिव लिसनर हैं डेंट जो है ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता है आपको चूज करना पड़ता है अपनी सारी कंडीशन अपने दिमाग को स्थिर मन को स्थिर करके करना पड़ता है डिस्ट्रैक्शन से दूर आपको स्पीकर पे फोकस करना है आपको उसके लुक्स या स्टाइल पे नहीं जाना है कि मैम जो है बार बार साड़ी ठीक कर रही है या मैम जो है बा लिख रही है तो लाओ चलो हम बात कर लेते हैं शोज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज़ दैट यू आर लिसनिंग यही चीज़ आप बच्चों को समझा रहे हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप बच्चों को समझाइए कि वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ आपको जैसे टीचर ने समझाया तो नॉटिंग योर हैड या ओके okay, लिसन या मैम को कुछ कह दिया यस मैम तो दीज आर द नॉन वर्बल क्यूज़ और वर्बल में यस मैम ओके गॉट इट मैम और वर्बल में एक और आ जाता है कि मैम ने कोई क्वेश्चन पुट अप किया है तो आप उसको रिप्लाई करें दैट इज़ द वर्बल क्यूज़ दैट यू आर लिसनिंग ये बात छोटे बच्चों पे भी लागू होती है सेम लिसनिंग तो बच्चों को भी यही सिखाइएगा कि क्लास में एक लॉजिकल क्वेश्चन पुटअप करें और वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ हमें दें और कहीं ध्यान ना लगाए सब स्टॉप मल्टी टास्किंग आप एक ही काम एक ही टाइम में कई काम एक साथ नहीं कर सकते हैं वॉय स्टडी आप या तो लिसन अच्छी तरह कर सकते हैं नहीं तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं अगर आपने कहीं और दिमाग लगा लिया इफेक्टिव लिसनिंग रिक्वायर्स अ केयरफुल अटेंशन एंड इट इज़ द मंत्र स्टॉप टॉकिंग ठीक है नो नीड टू टॉक नो नीड टू डिस्कस आपको अपने फ्रेंड से कुछ बोलना है आप आप रफ कॉपी में पॉइंट नोट डाउन कर लो और आप बाद में बात कर सकते हैं लिसन विद ईयर्स आइज एंड हार्ट जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है द लिसनर शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि मुझे तो इनका बिल्कुल पसंद ही नहीं है और ये जो है पता नहीं प्रिपेयर करते नहीं करते नहीं हैं और आज क्लास में जो है हमें बताने लग जाते तो ऐसा कुछ नहीं है किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है एंड यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट लिसन विद ईयर्स आइज़ एंड हार्ट यूज बॉडी मूवमेंट यू शुड मेक नोट्स आपको हमेशा नोट्स बनाने चाहिए ऐसा नहीं है कि अगर टीचर कंटिन्यूसली बोल रहा है और आज की मैं जो मैं क्लास ले रही हूँ तो अगर मैं बोल रही हूँ अगर आप पढ़ा रहे हैं बींग अ टीचर आप इंग्लिश टीचर हैं हिंदी टीचर है तो बच्चे को कहिए कि बुक में जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करते जाएँ पैराग्राफ़ पे पेंसिल रखें नोट्स बनाते जाएं अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसा तो उसके बड़ी क्लास में तो हम कहते ही हैं बेटा नोट्स बनाओ तो बच्चों को नोट्स बनाने को दीजिए एम्पेजाइज विद द स्पीकर हमेशा एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास स्पीकर के प्रति अगर उनको कोल्ड है जै ज़ुकाम ऐप जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल आज राइट क्वेश्चन इन राइट मैनर जैसे मैंने बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन कहे ने कहा है कि मुझे पचपन मिनट चाहिए अगर मेरे पास एक घंटा है पूछने के लिए तो पचपन मिनट तो मुझे सवाल तैयार करने में लगेंगे यानी कि पहले तैयारी कीजिए कि आप लॉजिकल क्वेश्चन कर रहे हैं तो लॉजिकल का मतलब है जो मैंने टॉपिक कराया है वो बिल्कुल समझ नहीं आया है इसका मतलब आप में कहीं अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है और अगर मैंने करा दिया है तो आपको ये समझना चाहिए कि आप ध्यान से पूछें राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम इसके कुछ एडवांटेजेस हैं इफेक्टिव लिसनिंग ग्रेट आइडियाज दैट मेड कम्स टू वर्ल्ड एज जेंटली डव्स डव्स आर अ काइंड ऑफ बर्ड राइट परहैप्स देन वी लिसन अटेंटिवली वी शैल हियर अ मेडल रिप्रोअर ऑफ एंपायर्स एंड नेशन फेइंट फ्लाटर ऑफ विंग्स जेंटल स्टरिंग ऑफ लाइफ एंड होप सो डव इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज अ लकी बर्ड आल्सो सो वी सेज ग्रेट आइडियाज आर लाइक डव्स बेटर एंड फास्टर असेसमेंट इसके बहुत फ़ायदे हैं कि सबसे जल्दी हम जो है असेस कर लेते हैं हमने क्या सीखा है हम जो है पॉलिसी आगे की भी बना लेते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो नॉलेज मिलती है अब मैं आपको भी बता रही हूँ कि न्यूज़ के थ्रू हम कैसे लिसनिंग अच्छी बेटर अपनी बना सकते हैं जैसे कोई न्यूज़ है अभी सपोज मैंने सेलेक्ट की है ट्वेंटी टू पीपल वर किल्ड एंड डजन इंजर्ड वैन टू ट्रेन कोलाइडेड इन सेंट्रल इंडिया ऑन सेप्टेम्बर ट्वेंटी इसमें हमें ये पांच क्वेश्चन जो है ध्यान रखने होते हैं कि हम कोई भी न्यूज़ को अगर सुन रहे हैं तो क्या हमने एनालाइज करना है रीडिंग लिस्टिंग uh, हमने क्या से हमारी अच्छी है तो कौन कौन इफेक्टेड है ट्वेंटी टू बाईस लोग कब कहाँ सेकेंड है कहाँ तो कहाँ हुआ है ये सेंट, uh, uh, कब हुआ है ये ये हुआ है बीस सितंबर को कहाँ हुआ है वैन सेंट्रल इंडिया में सॉरी व्हेन यानी कब हुआ है बीस सितंबर को हुआ क्या है व्हाट व्हाट यानी दो ट्रेन कोलाइड की हैं और वेयर सेंट्रल इंडिया हाउ कैसे ये अभी हमें पता नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमें पता नहीं है हम उस पर डिस्कस करने लगे तो अच्छी एक लिसनिंग स्किल यही कहलाती है कि हमें जो चीज़ पता नहीं है कि हाओ उस पर हम जाए डिस्कस ना करें ना बात करें उसके बारे में पता लगता है तो उसे इसी नॉलेज में रिकॉल कर दें और इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए तो आज की क्लास यहीं तक नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट यूनिट पे आऊँगी अभी आपकी यूनिट वन इज़ ओवर थैंक यू बाय बाय